पॉपकॉर्न ट्रेन की यात्रा से प्यार नहीं करता है? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ट्रेन से यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता और आरामदायक परिवहन है। ट्रेन की सवारी एक अद्वितीय यात्रा का अनुभव प्रदान करती है, जो घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड़ आदि सहित कई परिदृश्य के बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या जानते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक भी है जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से भरे हुए हैं, जो वास्तव में खतरनाक हैं और दिल के कमजोर यात्रियों को इन रूटों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है यह रेलवे ट्रैक कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यात्री इन मार्गों पर रोमांचक सफर को एंजॉय करते हैं। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो के जरिए दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक रेलवे ट्रैक्स के बारे में जानते हैं, जो शानदार दृश्यों के साथ साथ खतरनाक स्ट्रेच प्रदान करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नंबर एक, चेन्नई और रामेश्वरम रूट। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ ढहने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक्स में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किमी लंबा है। इस पुल का निर्माण 1914 में किया गया था। यह पुल उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है जब समुद्र का जलस्तर बढ़ हट जाता है और आने वाली लहरें ट्रेन यात्रा में रुकावटें पैदा करती हैं। नंबर दो, साल्टा पोलवेरिलो ट्रैक। अर्जेंटीना साल्टा को चिली पोलवेरिलो से जोड़ने वाला 217 किमी लंबा यह ट्रेन मार्ग अर्जेंटीना शहर में मौजूद है। इस खतरनाक और रोमांच से भरपूर ट्रैक को 1948 में लगभग 27 वर्षों के निर्माण के बाद खोला गया था। आपको बता दें, ये रेलवे ट्रैक 4200 की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग से ट्रेन 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है, जिसकी वजह से ये ट्रैक रोमांच और खतरों से भरा बन जाता है। तीन, डेविल्स नोज। इक्वाडोर समुद्र तल से 9000 फीट ऊपर डेविल्स नोज रूट दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन राइड्स में से एक है। नार्जेल डियाब्लो का ट्रेन मार्ग लुभावने दृश्य प्रदान करता है, क्योंकि ट्रेन नोज ऑफ द डेविल से चलती है। इस पहाड़ से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक जिगजैग रेलवे मार्ग का निर्माण किया, जो 12 किमी से कम दूरी में 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है। यह ट्रैक दक्षिण अमेरिका में इंजीनियरिंग के कर्तव्य के साथ साथ सबसे प्रभावशाली और खतरनाक भी है। माना जाता है इस रूट के निर्माण के लिए 3000 जमैका और 1000 प्यूर्टो रिकान देश में आए, उनमें से लगभग 2000 की मृत्यु हो गई। फिर भी डेविल्स नोज ट्रैक सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है, जहां हर साल रोमांचक ट्रेन की सवारी करने के लिए पर्यटकों द्वारा किया जाता है। नंबर चार, एसो मियामी रूट। जापान में सबसे चुनौतीपूर्ण रेल पटरियों में से एक है, जो माउंट एसो के आसपास की भूमि को पार करता है, जो देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों क्षेत्रों में स्थित है। बता दे, जो 2016 में कुमामोटो भूकंप के दौरान ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, और तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया है। ज्वालामुखी विस्फोट की अप्रत्याशितता इस रेलवे ट्रैक को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है, जिसमें आपको पता नहीं होता है कि अगला विस्फोट कब हो सकता है। इस रूट पर ज्वालामुखियों के लावा से जले हुए जंगल को देखा जा सकता है। नंबर पांच, व्हाइट पास और यूकॉन रूट। अलास्का, व्हाइट पास और यूकॉन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकॉन बंदरगाह को जोड़ता है। इस एडवेंचरस ट्रैक का अनुभव करने के लिए लोग इस मार्ग से ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें, अलास्का के ट्रेन रूट पर आप सुंदर दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी 3000 फुट की चढ़ाई के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने के लिए पहले पहाड़ों को विस्फोट करके तोड़ा गया था और उसके बाद ट्रैक बनाया गया था। नंबर छह, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन मार्ग खतरनाक मार्गों के कारण नहीं, बल्कि इस रूट पर होने वाली असामान्य गतिविधियों के कारण चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। वैसे ट्रेनों में चोरी और हमले की वारदातें आम बात है, लेकिन केप टाउन सार्वजनिक परिवहन अपराध की उच्च दर का सामना कर रहा है। केप टाउन की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों के वारदातों का सामना करती है, जिससे यात्री इस रूट से यात्रा करने में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं।
और आकद्धों के अनुसार इस रूट पर दैनिक आधार पर कम से कम 10 में से एक ट्रेन रद्द हो जाती है, जो वाकई गंभीर विषय बना हुआ है। नंबर 7 डेथ रेलवे। थाईलैंड डेथ रेलवे रूट दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है। इस रूट पर ट्रेन म्यांमार की सीमाओं से होते हुए पहाड़, घने जंगल के इलाकों से होकर गुजरती है। डेथ रेलवे थाईलैंड का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इस रेलवे रूट के निर्माण में हजारों कैदियों और स्थानीय श्रमिकों के खून पसीना बहाया था। इसके अलावा कई श्रमिकों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी वजह से इस मार्ग को डेथ रेलवे कहा जाता है। 1956 खोलने के बाद से मूल लाइन का केवल एक खंड चालू है। नंबर 8 कुरंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया। कुरंडा रेलवे ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में केयर्न्स से कुरंडा को जोड़ने वाला एक सुरम्य और भयावह ट्रेन मार्ग है। यह प्रसिद्ध रेलवे केयर्न्स से कुरंडा तक की यात्रा पर अपना मार्ग बनाता है। कुरंडा की यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं, जिसमें ट्रेन 15 सुरंगों और 37 पुलों से होती हुई खड़ी चट्टानों से होकर गुजरती है, जिससे ट्रेनें की गति धीमी हो जाती है। 37 किमी लंबा यह मार्ग 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था, जो खतरों के साथ साथ रोमांच और मनमोहनीय प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जहां यात्री झरने और हरे भरे जंगलों की प्रशंसा कर सकते हैं। वेल दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। क्या आपने कभी इन रेलवे ट्रैकों में से किसी पर सफर किया है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही वीडियो को शेयर करके बेल आइकन को दबाना ना भूले।